नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बाजू में आगे की साइड कप कैसे अटैच करते हैं, कैसे बटन लगाते हैं और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने डिजाइनर कपड़ा लिया है, जिस डिजाइन वाले फैब्रिक के हमें आगे की साइड कप लगाने होते हैं वही हमें यहाँ पे कपड़ा यूज करना होता है। तो हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, एक हमने यहाँ पे बटन लिए हुए हैं, तीन बटन एक बाजू में लगेंगे, तीन बटन दूसरी बाजू में लगेंगे और ये हमने डोरी ली हुई है क्योंकि बटन लगाने के लिए हमें डोरी की ज़रूरत होती है जिसमें ये बटन इस तरीके से एक दूसरे में अटैच हो जाए। और एक हमने बुकरम ली हुई है, जितने इंच के भी आपने आगे की साइड बटन कप लगाने होते हैं उतने ही आपने यहाँ पे उतनी चौड़ाई वाली यहाँ पे आपने बुकरम लेनी होती है। और यहाँ पे सबसे पहले नापना होता है हमें साइज कितना लेना है। जैसे हमें इस पॉइंट से 11.5 इंच तैयार रखना है तो हमें 11.5 इंच की बुकरम ही यहाँ पे चाहिए होगी। इस तरीके से हमने 11.5 इंच की, अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो तो चल जाती है, ये 12 इंच की है तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई ये हमारी है यहाँ पे 4.25 इंच, लेकिन हमें 3.25 इंच ही चाहिए तो हम बाकी की बुकरम एक्स्ट्रा जो होती है उसको काट देते हैं, ऐसे फाड़ लेंगे। अब हमें ये जो बुकरम है इसके 4 पीस करने हैं, इस तरीके से सीधे सीधे करेंगे, ध्यान रहे गलत ना कटें। ये जो हमने 4 पीस कटिंग किए हैं, इन 4 पीसों को हम इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमने 4 पीस यहाँ पे अपने पेस्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जो साइड हमारी यहाँ पे कम दबाव की होती है वो हम रखते हैं आगे की साइड। जैसे ये वाली साइड है हमारी कम दबाव की है और ये वाली साइड भी कम दबाव की है, इस साइड भी ज्यादा है, इस साइड भी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पीस तैयार करके दिखाऊंगा कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे जहां तक हमारा बुकरम का पीस होता है, ऐसे। अब हमें जैसे यहाँ पे 3 बटन लगाने हैं तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे 3 डोरी कटिंग कर लेंगे, एक साइज की 3 डोरी हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। यहाँ पे ध्यान रहे जो डोरी का साइज है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कई बार हम ज्यादा कटिंग कर लेते हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती। ये हमने 3 डोरी यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम एक तो बीच सेंटर में रखते हैं और 2 साइडों में, तो साइड से ही यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ऐसे और जो हमने निशान लगाया है सेम इसी के ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। डोरी अटैच कर ली है। अब हम इसी साइज का एक पीस लेंगे, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे और एक साइड से तैयार करेंगे। यहां से हमें सिलाई की शुरुआत करनी है, बुकरम के साथ साथ लगाएंगे सिलाई। ये हमारी डोरी वाली साइड है, ये ध्यान रखना जिधर हमने डोरी अटैच की है। अब हम दूसरी साइड हमारी ये आ जाती है, इसमें हमें ध्यान रखना है कोई भी डोरी वगैरह नहीं लगानी है क्योंकि एक साइड डोरी होती है दूसरी साइड बटन होते हैं,
तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से ये पीस कट करेंगे। इस बार हमें यहाँ पे सिंपल, जैसे ये वाली साइड रहती है तो सिंपल सिलाई लगानी है यहाँ पे इस तरीके से। लगाएंगे हम बुकरम के साथ साथ ही, ये ध्यान रखना है बस। क्वार्टर इंच का यहाँ पे भी आधा इंच का या क्वार्टर इंच का मार्जिन रखेंगे, कटिंग करेंगे और ये पलट लेते हैं यहाँ से नोक निकालते हुए। ये आसानी से पलटा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोक निकाल लेंगे सुई की मदद से ऐसे, और यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। साइड में जहां तक बुकरम होती है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हैं और यहां पे हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरा पीस यहां पे पलटेंगे तो तरीका सेम होता है, यहां पे भी नोक निकालते हैं। नोक निकालने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ाई वाली ही। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई ही इस साइड लगाते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। दोस्तों दोनों साइड हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएंगी, ये वाली इस तरीके से आएंगी, इनमें लगाएंगे हम बटन। अब हमें बाजू में अटैच करनी है। बाजू की आपने लेंथ पहले ही उतनी कम कर लेनी है जितनी चौड़ाई के आप कप लगा रहे हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऐसे बनाते हुए दोनों कप ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है बुकरम के बाद का, तो इसीलिए आपने भी एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ऐसे पलटेंगे और ऊपर से यहां पे सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों हम ऊपर से यहां पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए जितना हमारा नाप होता है उस हिसाब से यहाँ पे ओपनिंग रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, और पूरी बाजू रेडी करेंगे। बाजू को हम सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद यहां पे हम दूसरी साइड में बटन लगाएंगे। दोस्तों ऊपर की साइड हमने यहां पे बटन अपने लगा लिए हैं,
डोरी और इनमें लगा दी है। जैसे मैंने एक बाजू की थी, सेम उसी तरीके से हमने दूसरी बाजू भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ताकि आपको दोनों बाजू में दिखा सकूँ। बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पे कप स्लीव ये बनाई हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।